आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और प्रोग्राम आज का तलख बात। जाहिर सी बात है, कुछ मामले कुछ मसाइल ऐसे थोड़े तलख भी हो सकते हैं और इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी सियासी या समाजी शख्सियत को मदु करते रहते हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं अली मोहम्मद सागर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रियासत की सियासत में इनका नाम और रियासत की सियासत में इनके नाम का परवाना भी चढ़ता रहता है। लेकिन आज हम सबसे पहले कुछ तलख हकायक इनके सामने गुजारेंगे, ये अपनी पैरवी अपने मामलात खुद बताएंगे, हमारे तलख सवालात का खुद जवाब देंगे। सागर साहब, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहूँगा, सीधा आपको दुनिया जानती है, लोग जानते हैं आपके बारे में, आम लोग कहते हैं कि सही बात कहते हैं। आज आपसे मैं भी यहाँ से सही सवाल यही मेरा यही होगा, इल्ज़ाम और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आप चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ इकदार के लिए बातें करती रहती है। मिसाल उसकी दी जाती है 1931 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद मंजिल मकसूद तब था राय शुमारी, लेकिन 47 में राय शुमारी को बदल के कुर्सी के लिए सब कुछ बदला गया। पहले आपने सवाल ही गलत किया, फिर उसके बाद जो हिस्ट्री को हिस्ट्री का हवाला दे रहे हैं वो भी डिस्टॉर्टेड है, सही नहीं है। मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1931 में तहरीक शुरू की कोविड शख्सी राज के खिलाफ। उस वक़्त महाराजा जिसने जम्मू कश्मीर को खरीदा था 75 लाख नानकशाही, डबल नानकशाही के बैनामा अमृतसर के ज़रिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा पहले ये था बैनामा अमृतसर को तोड़ दो, कश्मीर को छोड़ दो। और वो चीज़ शेख साहब की क़यादत में पूरी हो गई, कश्मीर उनको छोड़ना पड़ा और बैनामा अमृतसर तोड़ना पड़ा। सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कौमे फरोख्तम अर्ज़ा फरोख्तम, एक कौम को भेजा गया वो सस्ते सस्ते भेजा गया। और शेख साहब ने उस वक्त चैलेंज किया शख्सी राज में कि हम अपने तकदीर का फ़ैसला खुद करेंगे, आप हमारी तकदीर का फ़ैसला मत करें। इन कोहसारों का, इन दरियाओं का, इन पहाड़ों का, तमाम लोगों का, ज़मीन का आपने ख़रीदा है, हम कैटलिस्ट नहीं हैं, हम कैटलिस्ट नहीं हैं, हम इंसान हैं। लिहाजा उसकी जो तहरीक थी वो रंग लाई और 47 में महाराजा को कश्मीर छोड़ना पड़ा और शख्सी राज का खात्मा हुआ और उस वक़्त यहाँ का अवामी राज कायम हुआ। बाकी जो आप कह रहे हैं इकदार के लिए, वो उसमें कोई इकदार की बात नहीं, इकदार महाराजा के हाथ में था। क्वाइट कश्मीर की तहरीक 1938 में उठी जब शेर कश्मीर ने नारा दिया कश्मीर को छोड़ दो, तो उन्होंने वो कश्मीर को छुड़वाया उनसे और उनको यहाँ से जाना पड़ा और यहाँ एक अवामी राज आ गया। फिर हिंदुस्तान के साथ महाराजा ने जो इलाह किया था उसकी तवसीक हमने की कि तीन शर्तों के तहत ये होना चाहिए, जो महाराजा ने की। फिर शेख साहब को जेल से छोड़ा, शेख साहब उस वक्त जेल में थे। ये तवारीख को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, कुछ मीडिया का, कुछ प्रिंट मीडिया का, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। और जो हमेशा हमें हमारे सियासी हरीफ रहे हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी क़यादत को टारगेट बनाया है। सागर साहब, क्या 1931 में जो तहरीक कश्मीर में उठी थी वो रायशुमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं मंशूर था उसमें? नहीं था, रायशुमारी मंशूर नहीं था। ये था कि बादशाह जो शख्सी राज है उसको ख़त्म करो। रायशुमारी की तहरीक 1953 में आ गई जब शेर कश्मीर को गिरफ्तार किया गया और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी शेख साहब की क़यादत में, बख्शी साहब ने कूप कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिल गए और उन्होंने एक हुकूमत बनाई और शेख साहब को 18 साल जेल में रखा। फिर बेग साहब ने एक तहरीक शुरू की रायशुमारी, महज रायशुमारी, कि यहाँ रायशुमारी कराओ, जो हिंदुस्तान के कायदीन ने वादा किया था यहाँ के लोगों से लाल चौक में कि जब हालात ठीक होंगे, जब पाकिस्तान अपना फौज हटाएगा, भारत भी अपना फौज कहीं कहीं से निकालेगा, तो यहाँ की रायशुमारी होनी चाहिए, लोग फैसला करेंगे हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया, पाकिस्तान ने भी उसमें कुछ खिलाफ वर्जी की, उसने फौज नहीं हटाई, यहाँ से भी खिलाफ वर्जी हुई और रायशुमारी जब शेख साहब ने और उसके साथियों ने यह नारा उठाया तो उनको जेलों में बंद रखा गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो महज रायशुमारी का नारा जो था वो सिर्फ 53 के बाद जब शेख साहब को अरेस्ट किया गया, एक वजीर अजम होने के नाते उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, दरगाह साजिश केस बनाया गया, उसको कहा गया आप अमेरिकी एजेंट हो, आपने अमेरिका के एम्बेसडर से बात की है हज़रतबल में, जो वहाँ
हाउस बोट होता था, एक चार्ज शीट बनाया गया और शेख साहब को उसको डिसलॉज किया गया, उसकी हुकूमत को। एक पुलिस SHO गया गुलमर्ग में, शेर कश्मीर को अरेस्ट किया गया और उस दिन सैकड़ों लोग मारे गए जब उनको अरेस्ट किया गया और फिर 18 साल जेल में रखा गया।